बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सानिया नश्तर, आपको और आपकी एहसास प्रोग्राम की टीम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये जो आज हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है, इसकी दो सबसे अहम पहलू हैं। सबसे पहले कि हमारे मुल्क में जो तकरीबन 2 करोड़ बच्चे जिनको स्कूलों में होना चाहिए, जो स्कूलों में नहीं है, एक तो उसको उसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चे और बच्चियों को तालीम दिलवाएं, बुनियादी तालीम, जो कि वो इस वक्त बदकिस्मती से हमने इसके ऊपर अहमियत नहीं दी। और ये बहुत बड़ा एक मुल्क आलमिया है कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चे स्कूलों में नहीं हैं। और ये इसी तरह इसके भी दो पहलू हैं। एक ये कि एक मुल्क का इतना बड़ा सरमाया, जो सबसे बड़ा सरमाया उसके लोग होते हैं, और जब आप लोगों को तालीम ही नहीं देते तो आप अपने सरमाया को भी ज़ाया करते हैं और बहुत बड़ी जुल्म और नाइंसाफ़ी करते हैं उस तबके पे जिसको आप मौका ही नहीं देते कि मुल्क में वो ऊपर आ सके। तो एक तो ये इसको एड्रेस कर रहा है आपका जो प्रोग्राम है, कि कोशिश करेंगे कि बच्चे स्कूलों में लेके आए और उनको हम इंसेंटिव्स दे रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको और ये गरीब घरानों में बच्चों का ये मसला होता है, और अगर उनको इंसेंटिव्स दें, स्टाइपेंड्स दे रहे हैं, तो एक तो ये इसका पहलू है। इसका जो दूसरा पहलू है वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो ये कि जो हमारी बच्चियाँ हैं वो ज़्यादा स्कूल से बाहर हैं। बच्चियों की तालीम को बदकिस्मती से हमने वो अहमियत दी नहीं, तालीम को ही नहीं अहमियत दी, लेकिन ख़ास तौर पे अपनी लड़कियों की तालीम को अहमियत नहीं दी। इसके भी दो पहलू हैं। एक तो ये कि इतना बड़ा असासा हमारा ज़ाया होता है, लेकिन जो एक पढ़ी लिखी खातून जितना वो माशरे को फ़ायदा पहुँचाती है, आदमी उससे कम पहुँचाता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को तालीम दे देती है, वो एक अपना पूरा घर का निज़ाम बदल देती है, और अपने बिल्कुल जो हेल्थ होती है, बच्चों की सेहत होती है, जो बच्चों की देखभाल होती है, वो बिल्कुल एक उसका जो इम्पेक्ट है वो माशरे में बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो आपने ज़्यादा इंसेंटिव दिए बच्चियों को, मैं तो उसकी ख़ास तौर पर तायद करता हूँ कि बच्चों के लिए तालीम स्टाइपेंड 1,500 का है और बच्चियों के लिए 2,000 का है, तो इसकी मैं ख़ास आपको अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि हमें इनक्रेज करना चाहिए हमारी बच्चियों को स्कूलों में आने के लिए। और ये जो आपने ग्राफ्स भी दिखाए, इसमें बड़ा वाज़े फ़र्क है बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं और जो बच्चियों के, उनके अंदर बहुत बड़ा गैप है। तो ये जो आज आपने लॉन्च किया है, एक तो तालीम के लिए बच्चे स्कूलों में जाएं, लेकिन उससे ज़्यादा इंसेंटिव दिए है, इनक्रेज किया है कि हम अपनी बच्चियों को पढ़ाएं। और मैंने ये भी मैं एक कह दूं कि लोग अमूमन बाहर की दुनिया, मग़रब ये कहती है कि जी हम अपनी बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पाकिस्तान के हर खत्ते में गया हुआ हूँ, शायद ही किसी ने पाकिस्तान को इस तरह देखा हो जो मैंने देखा। मैं कहीं भी पाकिस्तान में नहीं गया जिधर माँ बाप अपनी बच्चियों को चाहें कि वो पढ़े ना, कोई भी मैंने ऐसे घर नहीं देखे। मसले और होते हैं, कई दफ़ा स्कूल बहुत दूर होता है घर से, और वो उनको फिक्र करते हैं कि हमारी बच्चियों की सेफ्टी के लिए, तो एक तो ये वजह होती है। फिर दूसरा, स्कूलों के अंदर टीचर्स ही नहीं होते। हमारी मियांवाली की एक तहसील है ईसा खेल की, तो वहाँ जो बच्चियों के स्कूल हैं वो उमूमन वहाँ टीचर्स ही नहीं हैं, तो वो कैसे बच्चों को पढ़ाए। लेकिन हर जगह मुझे माँ बाप कहते हैं कि हम अपनी बच्चों के लिए स्कूल खोलें। तो ये नहीं कि पढ़ाना नहीं चाहते, जो हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि उनके लिए फैसिलिटेट करें, वो नहीं थी अब तक। तो एक तो हम ये बड़ा अच्छा जो इंशाल्लाह ये इनिशिएटिव है, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और दूसरा, हमारी गवर्नमेंट की वैसे भी जिम्मेदारी है कि हम आसानियाँ पैदा करें
स्कूल उधर बनाए जिधर के आसान हो के बच्चे और बच्चियों के लिए पढ़ना। और जो इसका सबसे और भी मुझे पसंद आई जो आपका इसका जो एक और एस्पेक्ट है वो ये कि आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये देखा कि ये ट्रांसपेरेंट हो, ये शफाफियत हो इसमें ताकि फ्रॉड ना हो। ये भी एक बड़ी बदकिस्मती है, हमें इसको बचाना पड़ता है कि ये जो फेक एंट्रीज आ जाती हैं और हमें ये भी पता है गो स्कूल्स भी होते हैं, तो इससे ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इससे हम काफ़ी तौर पे इन चीज़ों के ऊपर काबू पा लेंगे और ये बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से ये जो बच्चों की स्टाइपेंड्स और स्कूल में जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनकी उनके लिए उनको इंसेंटिवाइज कर सकेंगे और फिर मॉनिटर भी कर सकेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। तो फिर से आखिर में मैं आपको सयाना निश्तर आपको और आपकी एहसास की सारी टीम को मैं आज खराज तहसीन पेश करता हूँ।